नमस्कार दोस्तों, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेट 16 है, जो हमारी यूपीएसआई की जो सीरीज चल रही है उसका सेट 16 आज हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हर किसी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझना है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर, और जो ये टेलीग्राम अकाउंट है वहीं पर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाती है। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको ज़रा समझिए। देखिए, इसने हमसे ये कहा है कि इफ़ y इक्वल टू 3 + 2√2, तो वैल्यू आपको फाइंड करनी है √2 y² - 1/y², इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कभी भी पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए कि जैसे y हमें दिया हुआ है, y इक्वल टू कितना दिया है, 3 + 2√2 ये हमें दिया हुआ है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कितना होगा, डायरेक्ट आप लिख दीजिए 3 - 2√2। आप कहेंगे सर ये डायरेक्ट कैसे लिखा, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि यदि इनके स्क्वायर का डिफरेंस, देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2√2 का डिफरेंस, 2√2 का स्क्वायर होता है भाई 8, और 9 - 8 कितना होता है भाई, वो होता है 1, और यदि इनके स्क्वायर का डिफरेंस, इनके स्क्वायर का डिफरेंस यदि 1 आ रहा है और आपको रेसिप्रोकल निकालना है तो डायरेक्ट उसका साइन चेंज कर दीजिए। प्लस है तो प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, प्लस की जगह माइनस कर दीजिए। तो बस इतना ही काम यहाँ पर आपको करना था। तो y की वैल्यू है 3 + 2√2, तो 1/y की वैल्यू हो जाएगी 3 - 2√2। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, √2 y² - 1/y² की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यही करनी है ना। तो इसको फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है √2, और यहाँ पर आपको फॉर्मूला कौन सा दिखाई दे रहा है, a² - b², तो y - 1/y और y + 1/y। क्लियर है ना? अब एक बार इनको ऐड कर दीजिए, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। क्लियर है? एक बार इनको ऐड कर लीजिए और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए भाई, सिंपल सी बात यह है कि √2 * जब आप इसमें से y में से 1/y को सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, 3 + 2√2 में से माइनस करेंगे 3 - 2√2, तो कैंसिल क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2√2 + 2√2 दैट इज 4√2 हमारे पास ये बनेगा। और यहाँ से देखें, इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो y और 1/y को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ से 3 + 3 दैट इज 6 आ जाएगा। तो आंसर यहाँ से आएगा भाई 6 * 6 = 24 * 48, तो करेक्ट आंसर इज 48 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है भाई, 3 बैल्स हैं भाई, 3 घंटियां हैं, जो जिनमें से एक जो है 30 सेकंड, दूसरी 45 सेकंड और तीसरी 60 सेकंड के इंटरवल पर बजती हैं। तो यदि तीनों घंटियां एक साथ 1 बजे बजी हैं तो दोबारा वो एक साथ कब बजेंगी, ये आपको बताना है भाई। एक है ऐसी जो फर्स्ट वाली हर 30 सेकंड के बाद, इट मीन्स 30 सेकंड, फिर 60 सेकंड, फिर 90 सेकंड, ठीक है। दूसरी बैल ऐसी है जो 45 सेकंड के बाद बजती है, 45 सेकंड के बाद बजती है, तो 45, 90, 135 सेकंड ऐसे वो बजती रहेगी। अब तीसरी जो है 60 सेकंड के बाद बजती है, तीसरी हर 60 सेकंड के बाद वो बजती है। तो हमसे ये पूछा है कब तीनों एक साथ बजेंगी, इट मीन्स 1 बजे तो एक साथ बजी हैं, फिर दोबारा एक साथ कब बजेंगी, तो उसके लिए हमें क्या लेना होगा, इनका एलसीएम। इनका क्या, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम निकालने का तरीका ये है भाई, यदि 30 और 60 का आप एलसीएम लेते हैं, 30 और 60 का एलसीएम लेते हैं तो 60 आता है, फिर इन दोनों का एलसीएम 60 आया, 60 और 45 का एलसीएम लेते हैं तो 180 आया, और 180 सेकंड को आप लिख सकते हैं भाई 3 मिनट, तो 3 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद वो दोबारा एक साथ बजेंगी। तो इसका मीनिंग 1:03 पर वो दोबारा एक साथ बजेंगी, 3:01 पर, 1:03 पर फिर वो दोबारा एक साथ बजेंगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ज़रा उसकी तरफ चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा गया है, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, उसने कहा जब किसी नंबर को 8 से डिवाइड कर लेते हैं, भाई मान लेते हैं एक नंबर है n और n को मैंने 8 से डिवाइड किया, और जब मैंने n को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 3। अब उसने कहा यदि सेम नंबर को, इट मीन्स नंबर चेंज नहीं किया, नंबर अभी भी n ही है,
उसी नंबर को यदि मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछा है। यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा, पहली चीज तो देखिए, पहले हम किससे डिवाइड कर रहे थे, आप कहेंगे सर 8 से डिवाइड कर रहे थे, और अब किससे कर रहे हैं भाई, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या 8 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, आप कहेंगे हाँ सर पूरा पूरा डिवाइड होता है। यदि ये वाला डिवाइजर, पहले वाला डिवाइजर दूसरे वाले डिवाइजर से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो बस और नंबर सेम है जिसको हम डिवाइड करना चाहते हैं उनसे, तो आपको यहां पर पहले वाला रिमाइंडर देखना है। पहले वाला रिमाइंडर क्या है भाई, 3, और 3 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आता है, 2 1 2, तो रिमाइंडर आया भाई 1। तो करेक्ट आंसर इज 1 इज द करेक्ट आंसर। तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा भाई, 1 जो होगा वो इसका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आती है चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा कि भाई एक बोट है, ठीक है, हमें निकालना क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड का मीनिंग समझते हो, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड इसका मीनिंग होता है U प्लस V। अब ये U और V क्या है, U और V का मीनिंग क्या है, U का मीनिंग है किसी बोट की या मैन की स्टिल वाटर में स्पीड, V का मीनिंग है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्लियर है, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम बोला तो इसका मीनिंग जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम कहलाता है। क्लियर है, तो यहां से देखो, उसने कहा कि व्हेन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है, इट मींस यू जो है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। और उसने कहा स्पीड ऑफ रिवर, भाई रिवर की स्पीड वो कितनी है, 20% ऑफ द स्पीड ऑफ बोट, बोट का 20%, तो 10 का 20% कितना होता है, 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना, अब आपसे पूछा है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी U प्लस V, तो U कितना है 10 और V कितना है 2, तो 10 प्लस 2, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है भाई, 12 मीटर पर सेकेंड, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए भाई लिखा क्या है, लैंग्वेज को समझिए। इसने कहा एक सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 1260 इन 2 ईयर्स। उसने कहा कोई धन है साधारण ब्याज से 2 साल में 1260 रुपए हो जाता है। इसका मीनिंग ये 1260 क्या है, ये है हमारा अमाउंट जिसे कहते हैं भाई मिश्र धन, ये क्या है हमारा अमाउंट। और अमाउंट का मीनिंग क्या होता है भाई, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यदि आप प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ दें, मूलधन में इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, अमाउंट मिलता है। तो वही चीज यहां पर है, प्रिंसिपल प्लस, इसमें देखो 1260 कब बना, जब हमने कितने साल का इंटरेस्ट जोड़ा, इसमें 2 साल का, प्रिंसिपल प्लस 2 ईयर इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस 2 ईयर इंटरेस्ट, तब कितना है अभी 1260। क्लियर है, इसी तरह यहां पर एंड 1350, 1350 इन 5 ईयर, भाई इसका मीनिंग 5 साल में 1350 होते हैं, तो प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर इंटरेस्ट, 5 ईयर इंटरेस्ट, तो कितना आ जाता है भाई, वो आ जाता है भाई 1350, ये आया। तो आपसे पूछा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। अब आपने यहां से ये देखा होगा कि यहां पर अमाउंट कितना इंक्रीज हो गई, 1260 से 1350 हो गई, कितने रुपये बढ़ गए भी, 90 रुपये। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल में कितने साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, 2 साल का, यहाँ पर है कितने साल का, 5 साल का, तो इसका मीनिंग 3 साल का इंटरेस्ट, 3 साल का इंटरेस्ट जुड़ने से यहाँ पर 90 रुपये एक्स्ट्रा। तो 3 साल का इंटरेस्ट है, 3 ईयर्स का इंटरेस्ट है कितना, वो 90 रुपये है, तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा कितना भाई, 30 रुपये, 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 30 रुपये। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए हमें प्रिंसिपल भी चाहिए, तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, यदि मैं 1260 में से 2 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो बात बन जाएगी, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 1260 में से माइनस कर दें इन 2 साल का इंटरेस्ट, और 1 साल का है कितना, 30 रुपये, तो 2 साल का 60 रुपये, 60 रुपये मैंने माइनस कर दिया तो कितना आ गया भाई, 1200 रुपये हमारा क्या आ गया भाई, प्रिंसिपल आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि हमें निकालना है, तो रेट परसेंटेज यदि निकालनी है, तो 1200 रुपये के ऊपर मुझे 1 साल में कितना ब्याज मिला, 30 रुपये का ब्याज मिला, तो 30 अपॉन में कितना, 1200 इंटू कितना भाई, 100, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, तो कितना भाई, 2.5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ने में हमें ये दिया है कि भाई 2,50,000 रुपये हैं जिनको डिपॉजिट किया गया 3 साल के लिए, कंपाउंडेड एनुअली चक्रवृद्धि ब्याज से 3 साल के लिए उसे डिपॉजिट किया गया, लेकिन पहले साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 4%, दूसरे साल का है 5%, तीसरे साल का है कितना भाई 6%, हर साल अलग अलग है। तो उसने पूछा है व्हाट विल बी द अमाउंट एट द एंड ऑफ द 3 ईयर, 3 साल के बाद का अमाउंट कितना होगा। तो सिंपल सी बात यह है कि 4% का मीनिंग क्या होता है, 4% का मीनिंग 4/100 दैट इज 1/25 आप कह सकते हैं 1/25। इसी तरह 5% का मीनिंग कितना होता है, 5/100 दैट इज 1/20 और 1/20, क्लियर है यहां से। और 6% का मीनिंग कितना होता है, 6% का मीनिंग होता है 6/100 दैट इज 3/50 आप ये कह सकते हैं। अब पहले साल क्या है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो इसका मीनिंग प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशो होगा वो कितना होगा 25 से 26। आप कहेंगे सर 25 से 26 कैसे लिखा, इसका मीनिंग यदि पहले साल प्रिंसिपल 25 है तो 1 रुपये का इंटरेस्ट तो 26, तो पहले साल फर्स्ट ईयर जो रेशो है 25:26 का है। सेकंड ईयर में कितना है भाई, सेकंड ईयर 5% है ना, तो 5% 1/20, तो 20 से कितना भाई 21, दूसरे साल का क्या रेशो है 20 से 21, और तीसरे साल का है कितना भाई 50 से कितना लिखूंगा 53। अब इनकी प्रोडक्ट करता हूं तो कितना आता है भाई, यहां से आता है भाई 25,000, और इनकी प्रोडक्ट करेंगे 21 की 6 में करेंगे तो 6 आ गया, और 12 कितना भी 54 इतना हो गया, और इसमें 53 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है 3 6 18, 1 3 6 12 और 1 13, 1 3 5 15 और 1 16, और यहाँ से 5 6 30, 3 5 6 20 और 3 23, 2 और 5 5 25 और 2 27, तो यहाँ से जो बन के आता है वो आ जाता है हमारा 8 2 9 8 2, तो 2 8 9 2 8 2 8 9 2 8, क्लियर है, सॉरी 3 8 2 8 9 3 8 2 8 9 3 8। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है भाई 25,000 है, और वहाँ पर कितना है भाई, वहाँ पर है 2,50,000, इसका 10 गुना हो रहा है ना, इंटू 10 हो रहा है, तो इसमें भी इंटू 10 कर देंगे, इंटू 10 करेंगे और इंटू 10 करेंगे तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा 289380 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका मीनिंग जो 3 साल के बाद की अमाउंट होगी वो 289380 3 साल के बाद की अमाउंट हो जाएगी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे ये पूछा है कि 50% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू अनदर नंबर। इसने कहा मान लेते एक नंबर है x, उसका जो 50% है, 50% ये हुआ वो दूसरे नंबर के बराबर है, तो रेशो क्या होगा। तो इसका मीनिंग x बाई वाई यदि मुझे निकालना है तो आपसे x बाई वाई पूछा है, तो इसको फाइंड करने के लिए यदि आप यहाँ से देखें तो रेशो कितना आ जाएगा भाई 2/1 का रेशो आएगा। आप कहेंगे सर ये कैसे आ गया, तो यदि आप यहां से देखते हैं तो x इंटू 1/2 इक्वल टू y, तो x बाई वाई कितना हो जाएगा, y इधर आया तो 2 ऊपर और यहां 1 नीचे, तो क्या रेशो हुआ 2:1 का रेशो हो जाएगा। तो दोनों नंबर में जो अनुपात होगा वो क्या अनुपात होगा, 2:1 का अनुपात हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहां से इंपॉर्टेंट, आप इसको डाल दीजिए। देखो इसने क्या लिखा, व्हाट इज द रिमाइंडर, बात को ध्यान समझना, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 201 202 203 204, एक ही एक नंबर दिया गया है, ये नंबर दिया गया है एंड अप टू कहां तक 260, ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा क्या है एक नंबर है, और आपसे पूछा है कि जब मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा यदि मुझे ये देखना है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यदि डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। डिजिट का सम यदि 9 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे एक बात सोचो, और यदि डिजिट के सम को 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, पूरे को डिवाइड करने के बाद भी वही रिमाइंडर आएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते, मैं कहता हूं 725 है, ठीक है, जब आप इसको 9 से डिवाइड करोगे, 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई 5 आएगा।
अब लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या है, यदि इनका डिजिट का सम निकालें, डिजिट का सम कितना आता है अभी, 9 और 5 14 14 आया, 14 को 9 से डिवाइड करोगे तब भी तो रिमाइंडर कितना आता है अभी, 5 ही आता है, बात समझ में आती है ना। तो हम यदि देख लें कि डिजिट का सम कितना आ रहा है और जो भी डिजिट का सम है उसको 9 से डिवाइड कर दूँ तो बात बन जाएगी। अब यहाँ से इतना बड़ा नंबर है उसमें डिजिट का सम निकालने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसको कैसे लिख सकते हैं। मेन टारगेट है हमारा डिजिट का सम निकालना। अब देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार आया होगा, 2 ये है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हर नंबर में 2 है तो कितनी बार 2 आया होगा, और जब 260 तक है तो इसका मीनिंग 60 टाइम 2 आया है, तो मैं इसका डिजिट का सम कैसे निकालूंगा, 2 × 60 मैंने एक तो ये लिखा प्लस। अब दूसरे काउंटिंग यदि आप देख रहे हैं तो 101, 102, 03, 04 ऐसे चलते जा रहे हैं और अप टू कहाँ तक है, 60 तक। इट मीन्स 1 + 2 + 3 एंड सोन कहाँ तक भाई, 60 तक, यही तो कहानी है। तो इन्हीं से, इसी की हेल्प से हम इसका आंसर निकालेंगे, 60 × 2 कितना हो जाएगा भाई, 120 प्लस। अब यदि आप यहाँ से देखें तो ये तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, और फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम का क्या फॉर्मूला होता है, n × n + 1/2। तो n कितना है यहाँ से 60, और × 60 + 1 दैट इज 61/2, क्लियर है ना। और इससे ये कितनी बार, 30 टाइम्स कैंसिल। अब इनको जब आप सोल्व करेंगे तो 120 प्लस 3 से 183 1830, इनको और ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा भाई, 0 3 और 2 5, 8 और 1 9 और एक ये तो 1950। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो डिजिटल सम है, डिजिट का सम है, वो कितना है, 1950 आया। लेकिन हमें तो चाहिए क्या कि रिमाइंडर निकालना है कि 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 1950, इसको हम 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 × 2 = 18, बचा कितना भाई, 1 हो गया 15, 9 × 9 और बचा कितना भाई, यहाँ पर 6 = 60 हो गया, 9 × 6 = 54, क्लियर है, 9 × 6 = 54 बचा यहाँ पर कितना भाई, 6। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया हमारा 6 जो होगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 6 इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट परसेंटेज मस्ट बी एडेड टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सो दैट द प्रॉफिट ऑफ 20% ऑब्टेन्ड आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। उसने ये कहा कि भाई एमआरपी जो है वो सीपी से कितना परसेंट ज्यादा रखे, बात को थोड़ा सा दिमाग से समझिए भाई, एमआरपी सीपी से कितना परसेंट ज्यादा होनी चाहिए जिससे कि 20% का प्रॉफिट हो, कितने परसेंट डिस्काउंट देने पर, 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का हमें क्या हो भाई, प्रॉफिट हो, 20% का क्या हो, प्रॉफिट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक छोटा सा हमें काम क्या करना है, यहां से एमआरपी और सीपी में रिलेशन निकालना है, एमआरपी और सीपी में रिलेशन निकालना है। कैसे भाई, 100 + 20% भाई, 100 + प्रॉफिट% अपॉन में 100 - डिस्काउंट%, तो प्रॉफिट कितना है, 100 + 20 अपॉन में 100 - कितना भाई, 10, तो ऊपर आ जाता है हमारा 120, नीचे आ गया 90, तो कैंसिल आउट। यदि आप देखें तो इसका मीनिंग, यदि कॉस्ट प्राइस हमारा 90 है तो एमआरपी 120 रखना होगा, तो कितना ज़्यादा, 30 ज़्यादा रखना होगा, और 30 किससे ज़्यादा भाई, हाँ तो 30 किससे ज़्यादा, 30 अपॉन में कितना, 90 × 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 33 1/3%, तो कितना ज़्यादा होना चाहिए, 33 1/3%, इसको सही कर लीजिए, 33 1/3% होना चाहिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है, द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ एन पर्सन इंक्रीज बाई 12 इफ तरुण एंड अरुण आर एक्सक्लूडेड। यदि मैं तरुण और अरुण को एक्सक्लूड कर देता हूँ, तरुण और अरुण को एक्सक्लूड कर देता हूँ, तो तब एवरेज कितना बढ़ जाता है भाई, 12 बढ़ जाता है। अब इसने कहा, इफ द टोटल एज ऑफ 2 न्यू पीपल रोहित एंड मोहित इज द सेम एज द तरुण एंड अरुण,
तरुण और अरुण की जो जितनी एज है और उतनी ही टोटल एज किसकी है भाई, रोहित और मोहित की है। इफ़ द रोहित एंड मोहित आर एडिड टू द ग्रुप ऑफ एन पीपल, एन लोगों में यदि इट मीन्स टोटल में यदि हम जोड़ दें तो तब क्या होता है कि एवरेज कितना डिक्रीज हो जाता है, 4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन कितना है। देखिए भाई हम यहाँ से इसको थोड़ा सा दिमाग से इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ये पर्सन है और यहाँ पर एवरेज ऐसे लिख लेते हैं भाई, और यहां पर टोटल एज ऐसे लिखते चले जाते हैं, ठीक है। कितने लोग थे भाई, एन लोग थे, एन पर्सन थे। उसने कहा एक ग्रुप में कितने लोग थे, एन थे। मैंने मान लिया उनका एवरेज था भाई एक्स था, या एम मान लेते हैं उनका एवरेज कितना था, एम था। तो टोटल एज कितनी होगी, एन इंटू एम, ये तो टोटल एज होगी। अब उसने कहा कि दो लोगों को हटाया, वो दो लोग कौन कौन से थे भैया, दो लोग कौन कौन से थे, तरुण और अरुण, तो इनको कम कर दिया तो n माइनस टू रह गए, n माइनस टू रह गए। इट मीन्स यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर तरुण और अरुण को क्या किया भाई, एक्सक्लूड किया, ठीक है। तो तरुण और अरुण को एक्सक्लूड किया, हटा दिया, तो तब लोग कितने रह गए, n माइनस टू। तो एवरेज जो है, उसने कहा एवरेज जो है वो कितना बढ़ गया भाई, 12 बढ़ गया, m प्लस 12, m प्लस 12। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, n माइनस टू इंटू एम प्लस 12। ये बात समझ में आती है। इसी तरह फिर इसने कहा यदि n लोग हैं टोटल और उसमें ये रोहित और मोहित को इंक्लूड कर दें तो इसका मीनिंग n प्लस 2 हो जाएगा, n प्लस 2 हो जाएगा, और n प्लस 2 हो जाएगा, और एवरेज कहा कि 4 कम हो जाता है तो m माइनस 4, और तब टोटल एज कितनी आ जाएगी, n प्लस 2 इंटू एम माइनस 4, ये तो आएगी। तो तब यहां पर क्या किया, रोहित और मोहित को हमने क्या किया, एक्सक्लूड किया, सॉरी इंक्लूड किया। तो अब हमसे ये कहा गया था कि जो तरुण और अरुण की टोटल एज है वही टोटल एज किसकी है, रोहित और मोहित की है। तो आपसे पूछा है कि भाई ये बताइए कि n की वैल्यू क्या है। तो n की वैल्यू यदि हमें निकालनी है तो सिंपल सब आपको फंडा क्या रखना है कि यहाँ पर तरुण और अरुण की कैसे एज निकालेंगे, इनमें से देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ दोनों ये एक्सक्लूड हुए थे, ये एन लोगों की टोटल एज थी, इनमें से तरुण और अरुण की यदि मुझे निकालनी है तो ये जब ये इनको बाहर निकाल दिया गया था, तरुण और अरुण को एक्सक्लूड कर देते हैं तो टोटल एज इतनी आ जाती है। तो इसमें से यदि मैं इस पार्ट को माइनस करूँगा तो तरुण और अरुण की आ जाएगी, और यदि मुझे रोहित और मोहित की निकालनी है तो इसमें से, क्योंकि यहाँ पर तो n प्लस 2 लोग हैं, इसमें से n लोगों की मैं माइनस कर दूंगा तो ये जो दो रोहित और मोहित हैं इनकी टोटल एज आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट थोड़ा सा डायरेक्ट लिखता हूँ, तो यहाँ से एन एम, ध्यान से समझना भाई, यहाँ पर ध्यान से समझना कि भाई एन एम, तो ये इसमें से माइनस में कर रहा हूँ किस का है, इनकी प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी, एन की एम में करेंगे तो एन एम आ जाएगा, एन एम आया, और एन की इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 12 एन आया प्लस 12 एन माइनस 2 एम और माइनस 24, ठीक है, माइनस 24, क्लियर है इतनी बात। ये तो किसकी, तरुण और अरुण की एज आ गई, वो किसके बराबर होगी, वो हमारी बराबर होगी यदि मैं रोहित और मोहित की, तो रोहित मोहित की इसमें से इसको माइनस करना है, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो एन एम माइनस 4 एन और प्लस 2 एम और माइनस का 8, क्लियर है, इतना ही तो आएगा। चलिए अब यहाँ से और इसमें से ये तो आया इनकी, और एज माइनस क्या कर देंगे, एन एम करेंगे, तो तब यहाँ पर हमें एज मिल जाएगी। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो नेक्स्ट उसमें यहाँ से एन एम माइनस एन एम, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 12 एन और प्लस 2 एम और प्लस का 24 इक्वल टू कितना, एन एम माइनस 4 एन प्लस 2 एन माइनस 8 माइनस का एन एम, ठीक है ना।
अब यहाँ से देखो, NM से NM कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी NM से NM कैंसिल हो गया, और यहाँ पर भी 2M है, 2M से 2M कैंसिल हो गया, तो माइनस का 12N है, यहाँ पर कितना है, माइनस का 4 है, तो इसको मैं इधर लेकर आता हूँ, इसको जब मैं इधर लेकर आऊँगा तो कितना आ जाता है भाई, हमारे पास आ जाएगा 12 और 4 ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास इसमें से 4N हाँ हमारे पास आ जाएगा भाई कितना, प्लस का 8N आ जाएगा, प्लस का 8N, क्लियर है, प्लस का 8N, और 8N इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8N इक्वल टू यहाँ से, और 24 ये है और 8 ये है, तो 32 ये आ गया, तो हमारे पास आया है 8N इक्वल टू 32, तो N इक्वल टू कितना 32 बाई कितना 8, और 8 से डिवाइड यदि मैं करूँगा तो 4 टाइम्स ये जाएगा, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वो 4 हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर इज 4 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। तो इतना जो लिखा है ना, इतना काम नहीं करना, केवल आपको यहाँ से शुरू करना है, क्योंकि ये वाला काम आपका वर्बली होना चाहिए, इतना पार्ट ये वर्बली होना चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन को आपको शुरू करना था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा उसको समझिए। उसने लिखा, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड 52, 64, 65 एंड 143। भाई वो बड़े से बड़ा नंबर क्या है जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, इट मीन्स इनका HCF लेना है, और HCF लेने का तरीका, एक तरीका ये सबसे अच्छा तरीका यदि आपको आता है, जैसे हम LCM लेते हैं ऐसे ही आप HCF भी ले सकते हैं, कैसे भी। अब ये देखो, वो नंबर कोई भी ऐसा नंबर जो सभी को डिवाइड कर रहा है, 13 यदि मैं देखूँ तो 13 से ये सभी डिवाइड हो रहे हैं, इट मीन्स जितने नंबर हैं वो सारे डिवाइड होने चाहिए। क्या 13 से ये होता है? होता है भाई, ये भी होता है और ये भी होता है, तो 13 से जब मैं डिवाइड करूँगा, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, और 13 से ये कितनी बार भाई, 11 बार। अब क्या 4, 5 और 11 क्या तीनों के तीनों किसी सेम नंबर से डिवाइड होते हैं? नहीं होते, तो इसका मीनिंग इनका HCF कितना आ गया, 13 आ गया, तो 13 ही वो लार्जेस्ट नंबर है जो जिससे ये तीनों के तीनों नंबर पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसने कहा, देयर आर टू सिमिलर ट्रेंगल, दो सिमिलर ट्रेंगल है, सिमिलर ट्रेंगल पता है ना, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, बराबर, और साइड क्या होती है भी, प्रोपोर्शनली, ऐसा कुछ है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, बराबर, और साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनली, साइड क्या होंगी भाई, प्रोपोर्शनली होगी, सेम रेशियो में होगी। द साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रेंगल आर 2, 3 और 4, मान लेते ये 2 है, ये 3 है, और ये कितना भी 4 है, और द पैरीमीटर ऑफ द सेकेंड ट्रेंगल इज 81, तो सेकेंड ट्रेंगल का पैरीमीटर कितना दिया है, इसका 81 दिया है, तो फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्रेंगल, जो दूसरे वाला ट्रेंगल है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमें बतानी है, तो इसका पैरीमीटर कितना आता है भाई, आप देखेंगे 4, 3, 7 और 2, 9, तो इसका पैरीमीटर हमारा आ गया भाई 9, क्लियर है, और इसका पैरीमीटर हमें कितना दिया भाई 81, तो कितना टाइम्स है, 9 टाइम्स है, तो पैरीमीटर भी सेम उसी रेशो में होगा, जिस रेशो में उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगी उसी रेशो में क्या होगा, उसका पैरीमीटर भी होगा, तो यहाँ पर इसका मीनिंग इसका 9 टाइम हुआ, पैरीमीटर का 9 टाइम हुआ, तो इनका भी 9 टाइम कर देंगे, 2 का 9 टाइम करेंगे तो 18, 9 दूनी 18, यहाँ से 9 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36 और 9 27, तो जो साइड्स होंगी वो 18, 27, 36 होंगी, 18, 27 और 36 होंगी, क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पर था 2, 3 और 4 है, तो 2 के हिसाब से 9 दूनी 18, 3 के हिसाब से 9 × 3 = 27 और 9 × 4 = 36, तो राइट आंसर इज 18, 27, 36 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन ये कहा, कि यदि 5 मार्च 2012 को वेडनेसडे है, उसने कहा 5 मार्च 2012 को वेडनेसडे है, 2012 को क्या है भाई, वेडनेसडे है, तो आपसे कहा कि 5 नवंबर 2014 को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है। तो पहली चीज़ देखिए भाई, डेट 5 और यहाँ पर भी 5 है, बिल्कुल सेम है, मंथ लेकिन अलग अलग है। अब मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं, आप कहेंगे सर मार्च में होते हैं 31 दिन, और ये कौन सी तारीख है, 5 तारीख है, तो कितने दिन बचे भी, मार्च के यदि हम देखें तो कितने दिन बचे हुए हैं, वो है 26 दिन मार्च के बचे हुए हैं। अप्रैल कितने का होता है भाई, 30 का होता है, और अप्रैल जब 30 का होता है तो ऑड डेज कितने बनेंगे, तो 2 भाई
सात से भाग करने के बाद दो बचा। फिर मार्च अप्रैल मई की यदि हम बात करेंगे तो मई में 31 होते हैं, तो इसका मीनिंग तीन। मई में कितने होते हैं भाई, 31 होते हैं तो तीन। मार्च अप्रैल मई जून 30 का होता है भाई, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर के हमें 5 दिन बोले थे, ठीक है ना। तो यहाँ से ऑड डेज लिखते जाएंगे, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर तीन, यहाँ पर दो आएंगे, यहाँ पर तीन ऑड डेज आएंगे और नवंबर की कौन सी तारीख है, 5, तो 5 दिन मैंने ये लिखे। और इसको भी यदि मैं 7 से डिवाइड कर लूँ, क्योंकि मार्च में 26 दिन बचे थे तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 21, तो 5 दिन ऑड आ गए। तो 5 + 2 + 3 + 2 + 3 + 3 + 2 + 3 + 5, इनको ज़रा ऐड करना भाई, 5 और 5 10 15 20 और 5 25 28 आ गया भाई। इसका मीनिंग यदि मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो ऑन एन एवरेज 28 का आ गया प्लस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने साल का डिफरेंस है, आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 साल का डिफरेंस है, तो प्लस 2 मैंने ये कर दिया। क्या इन 2 साल में कोई लीप ईयर आया है, लीप ईयर क्या मीनिंग है, इस ड्यूरेशन में क्या 29 फेब आई है, नहीं आई है। और जब इस ड्यूरेशन में 29 फेब आई ही नहीं है तो इसका मीनिंग ये हम डायरेक्ट 2 ही लिख देंगे, क्लियर है। डायरेक्ट क्या लिख देंगे भाई, 2 लिख देंगे, इतनी बात समझ में आती है, इतने में तो किसी को डाउट नहीं है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से आप समझते जाइए कि भाई इसका मीनिंग हमें 30 दिन आगे बढ़ना है। 30 दिन को फिर यदि हम ऑड डेज के हिसाब से देखें तो कितने ऑड डेज बनते हैं भाई, 7 से भाग देंगे तो 2 ऑड डेज बनते हैं। तो वेडनेसडे में 2 दिन आगे बढ़ेंगे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, फ्राइडे जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज फ्राइडे इज द करेक्ट आंसर, क्या ये बात समझ में आती है, फ्राइडे जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसका जरा समझते हैं। अब देखो इसने क्या कहा कि एक ये इक्वेशन दी है और आपसे पूछा है इसकी नेचर कैसी है, नेचर इट मीन्स जो इसके रूट्स होंगे उसकी नेचर कैसी है ये आपको बताना है, उसकी नेचर कैसी है। इट मीन्स दोनों रियल है और इमेजनरी है, रियल और अनइक्वल है, इमेजनरी है, रियल और इक्वल है, क्या है। देखो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, डिटर्मिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इट मीन्स d क्या होता है, b² - 4ac, इसकी वैल्यू के ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अब यदि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, यदि जीरो से बड़ी आ जाती है तो रियल और रियल रूट्स होंगे, रियल और डिफरेंट रूट्स होंगे। इक्वल यदि मैं इक्वल टू जीरो आ जाती है तो रियल और इक्वल रूट होंगे, लेस देन जीरो आ जाती है तो इट मीन्स इमेजिनरी हो जाएंगे। तो यहाँ से वही चीज़ हमें देखनी है कि इसकी वैल्यू क्या आती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालिए। तो इस इक्वेशन में बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है हमारी 5, ठीक है ना, ए की वैल्यू है हमारी 3 और सी की वैल्यू है हमारी 3, क्लियर है। और b² - 4ac इसकी वैल्यू हम देखते हैं, b की वैल्यू है हमारा कितना भाई 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है वो भी कितनी है भाई 3 है। और यहाँ से ये आया 25 और यहाँ से आया 9 चौक 36, तो 36 इट मीन्स माइनस का 11 और माइनस 11 इट मीन्स लेस देन जीरो है। और जब इसकी वैल्यू लेस देन जीरो है तो इसका मीनिंग जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे भाई, इमेजनरी होंगे, करेक्ट। तो रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी रूट्स होंगे, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। उसने कहा भी एक सिलेंडर है, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इंक्रीज बाय 50% एंड 75% रेस्पेक्टिवली, एक्सप्रेस द ओरिजिनल वॉल्यूम एज ए परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑब्टेन्ड, ठीक है ना। अब देखो एक बात समझो भाई, पहली चीज यहां से समझने की है कि पहली चीज ये है कि हमने सिलेंडर की रेडियस को बढ़ाया और हाइट को बढ़ाया, रेडियस कितना परसेंट, 50%, और हाइट कितना भाई, 75%,
क्लियर है। 50% का मीनिंग कितना होता है 1/2, 75% का मीनिंग होता है भाई 3/4, सभी को पता है, क्लियर। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम सभी को पता है क्या कि भी पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होता है ना पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच ये होता है ना। अब यहां से यदि आप थोड़ा सा नोट करेंगे कि भी अब रेडियस में यहां पर आर की पावर कितनी आ रही है 2 और एच कितनी बार है 1 बार, तो देखो रेडियस में कैसे चेंज हुआ 2 से कितना भी बढ़ी है ना, दोनों केस में रेडियस भी बढ़ाई थी हमने और हाइट भी बढ़ाई थी, तो किस रेशो में बढ़ेगी, रेडियस हमारी बढ़ी 2 से 3 हो गई, बात समझ में आती है 2 से 3 भाई, पावर 2 है तो 2 बार लेंगे, फिर रेडियस कितना किस रेशो में 2 से 3, हाइट जो है हाइट में किया पावर एच की पावर 1 है तो हाइट किस रेशो में भी 4 से कितना भी 7 भाई, 4 थी यदि पहले 4 थी तो 3 बढ़ गई तो 7। अब ज़रा इधर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 16 हो गया, इधर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 हो गया। तो आपसे ये पूछा है कि एक्सप्रेस द ओरिजिनल वॉल्यूम एज ए परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑब्टेंड, इसका मीनिंग जो ओरिजिनल वॉल्यूम था जो अब हमें वॉल्यूम ऑब्टेंड हुआ मिला है उसका लगभग कितना परसेंट है। तो यदि आप देखें तो ओरिजिनल वॉल्यूम तो यहाँ पर 16 दिख रहा है और यहाँ पर क्योंकि परसेंटेज निकालने हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर जो अब हमें वॉल्यूम नज़र आ रहा है वो कितना है 63, तो 16 जो है वो 63 का कितना परसेंट है ये हमें निकालना है। तो लगभग कितना परसेंट है भाई, ये आ जाएगा हमारा 25.39% के अराउंड आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 25.39 इज़ द करेक्ट आंसर, इतना परसेंट की अप्रोक्स है, क्लियर। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा उसको समझिए। इसने कहा ऑन सेलेक्टिंग ए 3-डिजिट नंबर एट रैंडम, भाई 3 डिजिट का एक नंबर सेलेक्ट किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 9, 5 और 9 दोनों से डिविजिबल हो ये हमें बताना है। पहले देखो इसने कहा ऑन सेलेक्टिंग ए 3-डिजिट नंबर, 3-डिजिट नंबर पहली चीज तो यही होती है भाई 3-डिजिट के नंबर कितने होते हैं, तो 3-डिजिट के नंबर कितने होते हैं भाई, 3-डिजिट के नंबर होते हैं हमारे 900, 3-डिजिट के कितने नंबर होते हैं 900। अब उसने ये कहा कि भाई जो नंबर हैं वो डिविजिबल होने चाहिए 5 और 9, 5 और 9 से डिविजिबल होने का मीनिंग है कि इन दोनों के एलसीएम से डिवाइड होगा और इन दोनों का एलसीएम कितना होता है भाई 45, तो 5 और 9 का जो एलसीएम है, 5 और 9 का एलसीएम जो आता है वो आता है हमारा 45, तो इट मीन्स जो नंबर 45 से डिवाइड हो जाएगा तो वो 5 और 9 दोनों से हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो यही आती है कि भाई हमारे पास 3 डिजिट के तो नंबर हैं कितने 900, लेकिन अब 900 में से ऐसे कितने नंबर हैं जो 45 से डिवाइड हो जाए, 45 से होंगे तो 5 और 9 से होंगे, तो वो कैसे तो निकालें। तो यहाँ पर देखिए कि 3 डिजिट का पहला नंबर होता है भाई 100 और लास्ट नंबर होता है कितना 999, इसको भी आप 45 से डिवाइड कर दीजिए, 45 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स तो जाएगा, इसको जब आप 45 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा यहाँ से यदि आप देखेंगे तो 45 × 90, 45 × 90 22 टाइम्स भी जा रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ 1 से 100 की रेंज में इट मीन्स केवल 2 नंबर ऐसे हैं जो 45 से डिवाइड होते हैं और 1 से 999 की रेंज में कितने हैं 22 हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 100 × 999 कितने नंबर भाई 22 − 2 दैट इज 20 नंबर ऐसे हैं, 20 नंबर ऐसे हैं जो किससे डिवाइड हो जाएंगे 45 से। बात को ध्यान समझिए भाई, 3 डिजिट का पहला नंबर है हमारा 100 और लास्ट नंबर आता है 999, 100 को यदि मैंने 45 से भाग दिया तो हमारा आता है 2 बार तो चलता ही है ना, तो इसके 2 क्या बता रहा है कि 1 से 100 की रेंज में 2 ऐसे नंबर हैं जो 45 से डिवाइड हो रहे हैं, इसको जब मैंने डिवाइड किया तो 1 से 999 की रेंज में 22 ऐसे नंबर हैं जो किससे डिवाइड हो रहे हैं 45 से डिवाइड हो रहे हैं। यदि मैं इस रेंज में से ये वाली रेंज हटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भी 100 से 999, तो 100 से 999 की रेंज में 20 ऐसे नंबर हैं जो किससे डिवाइड हो रहे हैं 45 से, और जब वो 45 से डिवाइड हो रहे हैं तो 9 और 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं,
तो यहां से प्रोबेबिलिटी निकालें, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है कि टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो 3 डिजिट के टोटल नंबर थे हमारे 900, लेकिन उन 900 में से ऐसे कितने नंबर हैं जो किससे डिवाइड हो रहे हैं भाई, 45 से, और 45 से होंगे तो 5 और 9 दोनों से होंगे, तो वो कितने हैं भाई 20 हैं। तो जब मैं इससे इसको डिवाइड किया तो कितना आता भाई 1/45। तो इसका मीनिंग, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1/45 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, इसने कहा इस एक्सप्रेशन को फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लिखिए। एक्सप्रेशन हमारा क्या है भाई, पॉइंट टू 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 एंड सोन अप टू इन्फिनिटी, ऐसे तो जा रहा है। तो इसको तो मैं ये भी लिख सकता हूँ पॉइंट टू के ऊपर बार भाई, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और यदि मुझे इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो सिंपल सा फंडा क्या होता है कि पॉइंट के बाद पहले ये देखो, पॉइंट के बाद ऐसी कितनी डिजिट है जिनके ऊपर बार है। तो आप कहेंगे सर एक डिजिट है, एक डिजिट है तो उतने ही आप 9 लिखिए, दो होते तो 2 बार 9, और किस डिजिट के ऊपर बार है, 2 के ऊपर है तो 2/9। तो इसकी फ्रैक्शन वाली फॉर्म आ गई भी, 2/9 इज द करेक्ट आंसर, 2/9 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आती है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा, ए ट्रेडर गोज टू ए होल सेलर टू बाई 500 kg ऑफ मर्चेंडाइज। अब उसने कहा कि भाई एक ट्रेडर है, वो होलसेलर के पास जाता है 500 किलो खरीदने के लिए। अब उसके बाद उसने क्या कहा कि भाई वहाँ पर जो होलसेलर है वहाँ पर वो गड़बड़ होता है भाई, कितना कि 1200 ग्राम फॉर 1 किलो, 1 किलो के लिए कितना भाई 1200 ग्राम। और बाद में जो ट्रेडर है, वो ट्रेडर जो है वो किस तरह से मार्कअप करता है, मार्किंग अप एंड हिज कॉस्ट प्राइस बाई 25%, और जो ट्रेडर है वो 25% ज़्यादा उसकी MRP लिखता है। तो उसने कहा है वॉट इज़ द नेट गेन और लॉस परसेंट ऑन द फॉर द ट्रेड। तो ट्रेडर के लिए नेट गेन और लॉस कितने का होगा ये हमें बताना है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, या यदि मैं यहाँ से इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ज़रा उसको समझने की कोशिश करते हैं भाई। सबसे पहले देख लेते हैं भाई, मान लो एक एक किलो का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपया है, तो 500 किलो का कितना हो जाएगा भाई, 500 रुपया भाई। 1 किलो का CP ऑफ 1 kg, 1 kg का कॉस्ट प्राइस है 1 रुपीज़, तो 500 किलो की बात चल रही थी, 500 किलो लेने गया तो 500 किलो का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 500 रुपये। ये बात समझ में आती है, ठीक है ना। अब लेकिन उसने सामान कितना खरीदा, उसके साथ तो वहाँ गड़बड़ हुई है, तो क्योंकि 1 किलो की जगह मतलब कि 1200 ग्राम फॉर 1 किलो, तो 1200 ग्राम दिखाई देता है लेकिन 1 किलो, 1 किलो के लिए 1200 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से उसको जो ट्रेडर है, ट्रेडर कितना भी, ट्रेडर कितना खरीद पाता है, तो वो डायरेक्ट आप कह सकते हैं अभी 500 का कितना 1/1.2, क्लियर है ना, 1/1.2, 200 ग्राम एक्स्ट्रा था इसलिए यहाँ से डायरेक्ट हमने कर दिया, क्लियर। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाता है भाई, 416.66 आ जाता है, इतने 1 किलोग्राम आ गया। अब ये देखिए भाई, इतना आ गया, तो ये इस पर उसने क्या किया, इसने उस पर क्या कमाया भाई, प्रॉफिट कमाया। इसने उस पर कितना MRP ज़्यादा रखी, तो 25% ज़्यादा रखी, तो डायरेक्ट इसका एक तरीके से SP कितना रखा, 416.66 इंटू कितना डायरेक्ट, मैं 25% ज़्यादा रखा तो 125% मैंने इसका डायरेक्ट निकाला, 125%, तो 5/4, 5/4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 520.83 आ गया। अब प्रॉफिट यदि हम देखें तो कितने का आ रहा है अभी, प्रॉफिट यदि हम देखें तो प्रॉफिट हमारा आ रहा है यहाँ पर कितना, 20.83 का प्रॉफिट आया, कितना भाई यहाँ पर देखो, उसका खर्चा है 500 रुपये, और लेकिन जो उसको मिला वो कितना मिला उसको, 520 रुपये 83 पैसे। तो 20.83 का उसे प्रॉफिट हुआ, आउट ऑफ कितना भी, कितने रुपए पर, 500 रुपए पर, और इनटू क्या करेंगे 100, तो यही तो प्रॉफिट की परसेंटेज होगी। यहाँ से जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 4.17 या 166 के करीब आएगा, 166%, क्लियर है। तो 4×5 20 और 5×20 और 5×5 तो 1.66, 4.166 के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा कितना, 4.17 के अराउंड का गेन हो जाएगा, क्लियर है। तो लगभग में ही पूछा था लगभग कितना होगा,
देखो सबसे पहली चीज़ हमने क्या मान लिया था कि 1 किलो का खर्चा 1 रुपया है, तो 500 किलोग्राम का खर्चा 500 रुपये हो गया। अब लेकिन क्या वो 500 किलोग्राम ला पाया? नहीं ला पाया, तो उसे तो कम लाया। वो कितना लाया? वो लाया भी 416.66 किलोग्राम ले पाया, क्योंकि उसे 1200 ग्राम उसको शो होता था लेकिन आता था 1 किलो। ठीक है, अब हुआ क्या? अब यहाँ से उसने जो MRP रखी है वो 25% ज़्यादा रखी, तो इसका 125%, तो कितना बनता है? 520.83। तो यहाँ से प्रॉफिट देखो कितना है, 20.83 का प्रॉफिट आया किसके ऊपर? 500 के ऊपर, तो कितना? 4.166% इतने का उसका अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 15 मोर देन द 1/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। भाई उसने कहा तीन नंबर हैं, ये तीन नंबर हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मान लेते हैं ये x है, तो ये x प्लस 1, ये x प्लस 2 हुआ। अब इनका यदि आप एवरेज की बात करेंगे तो इनका एवरेज, यदि नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव होते हैं तो मिडिल प्लेस पर जो वैल्यू आती है वही उसका एवरेज होता है। तो उसने कहा एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो इसका मीनिंग x प्लस 1 जो है इज 15 मोर देन 1/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमारा x है, x का 1/3, x बाई 3, और उससे कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, उससे कितना ज़्यादा भी? 15 ज़्यादा है। क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आया 3x प्लस 3 इक्वल टू कितना भी? x प्लस 15, और यहाँ से 2x इक्वल टू कितना आ गया भाई? 12, और x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 45 आ जाएगा भाई, 45 सॉरी, यहाँ तो 15 था, यहाँ पर 45 आएगा, क्योंकि ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ 45 और 3 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर 45 और 45 और माइनस कितना भाई 3, तो 42, और 42 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ कितना भाई? 21, तो x की वैल्यू 21 आ गई, और x की वैल्यू 21 आ गई, और हमें निकालना क्या था? लार्जेस्ट नंबर, और लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारा? x प्लस 2 है, तो x की वैल्यू है 21, और 21 प्लस 2 दैट इज 23 इज द करेक्ट आंसर। 23 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 23 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमारे पास तीन व्यक्ति, अमीन है, बादशाह है और चार्ज है। उसने क्या कहा? अमीन जो है वो कितने 90 दिनों में, ये बादशाह 40 दिनों में, और चार्ज जो है वो 12 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि वो उस तरह से काम कर रहे हैं कि एक दिन में एक ही व्यक्ति काम कर रहा है, एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा। इट मीन्स पहले अमीन आया, नेक्स्ट डे बादशाह, तो थर्ड डे चार्ज आया। फिर उनको जो टोटल पैसे दिए जाते हैं उस काम के लिए 240 रुपये दिए जाते हैं, तो आपको बताना है कि हर एक पर्सन को कितने कितने रुपये मिलेंगे, ये आपको बताना है। अब पहली चीज़ तो यहाँ से समझिए, पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ए बी और बादशाह और ये चीज़, ए बी सी कर दिया मैंने, ये कितने दिन, ये कितने दिन में भी, ये 90 दिन में, ये कितने दिन में भी, 40 दिन में, और ये 12 दिन में। क्लियर है? इन तीनों का जो एलसीएम यहाँ से बन के आता है वो कितना आ जाता है भाई? 360, और 360 को 90 से यदि डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 4, 40 से डिवाइड करूँगा तो 9, और 360 को 12 से डिवाइड किया तो कितना भाई? 30। ये इनका वन डे वर्क आ गया। अब काम जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है? ए बी सी, फिर ए बी सी, इस तरह से काम चलता जा रहा है। ठीक है ना, ऐसे काम चलता जा रहा है। तो हमें यही टारगेट करना होगा कि काम कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, ये हमें देखना होगा। तो पहली चीज़ तो ये देखिए, यहाँ पर देखो हर कोई कितने कितने दिन काम कर रहा है, ये हमें देखना होगा। तो पहली चीज़ देखो, यहाँ पर ये तीन दिन हुए भाई, पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन सी आया। तो ए कितना करेगा? आप कहेंगे सर 4 यूनिट, बी करेगा 9 यूनिट, सी करेगा कितना? 30 यूनिट। तो टोटल कितना आ गया? आप कहेंगे सर यहाँ से 43 यूनिट हो गया। तो थ्री डेज में कितना काम हुआ भाई? 43 यूनिट हो गया, 43 यूनिट, थ्री डेज में कितना? 43 यूनिट काम हुआ। क्लियर है? अब यहाँ से यदि मैं देखता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ कि कितना हमें काम करना है, हमें जो काम करना है 360 यूनिट काम करना है, तो कितना टाइम्स? 8 टाइम्स, इंटू 8 इसमें किया तो इंटू 8 इसमें भी किया। क्लियर है? तो 8 + 24, तो 24 दिन में हमारा कितना काम हो जाएगा?
8 * 24 = 2, 8 * 36 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 36 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 36 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 36 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 24 = 34, 8 * 24
ने भी 8 दिन काम किया, बी ने भी 8 दिन काम किया, ए ने भी 8 दिन, बी ने भी 8 और सी ने भी 8, तो तभी तो 24 दिन हो गए ना, 8 दिन इसके, 8 दिन इसके, 8 दिन इसके, तीनों का 8-8 दिन हो गया। अब 25वें दिन काम करने के लिए कौन आएगा? 25वें दिन काम करने के लिए आएगा हमारे पास ए, भाई ओड ए आएगा, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो गई है, साइकिल कंप्लीट होती जा रही है, तो 25वें दिन काम करने के लिए कौन आएगा भाई? ए आएगा। और जब 25वें दिन काम करने के लिए ए आएगा, और ए एक दिन में कितना यूनिट करता है भाई? 4 यूनिट करता है, तो जब इसमें 4 यूनिट और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? आप कहेंगे 348, तो एक दिन इसका बढ़ गया, एक दिन इसका बढ़ गया, तो यहाँ पर कितने दिन हो गए भाई? 9। अब अगले दिन नेक्स्ट डे बी की बारी है, बी कितने यूनिट काम करता है? 9 यूनिट काम करता है। अब इसे 9 यूनिट और हम ऐड करेंगे, तो 9 यूनिट ऐड करेंगे तो कितना भाई? 357, तो इसका मीनिंग प्लस 1 और आ गया, तो इसका मीनिंग 9 दिन और आ गए, एक 9 दिन बी के भी हो गए, बादशाह के भी कितने दिन हो गए? 9 हो गए। और अब देखो अब कितना काम बचा है, अब जो बचा है हमारे पास, हमारे पास टोटल कितना करना था हमें? 360 करना है, और 357 हो गया है, तो इसका मीनिंग 3 यूनिट बचा हुआ है। अब ये जो 3 यूनिट करेगा वो कौन करेगा? 3 यूनिट करेगा जो चार्ज है, और उसका पूरे एक दिन का काम कितना है? 30 यूनिट, और करना कितना है? 3, तो 3/30 दैट इज़ 1/10, तो 1/10 डे इसका भी लगेगा, कितना भाई? 1/10 डे, तो 8 1/10। अब यहाँ से इस कहानी को बिल्कुल इसी तरीके से आपको समझना है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अमीन ने कितने दिन? 9 दिन काम किया। बादशाह ने कितने दिन काम किया? 9 दिन काम किया, लेकिन चार्ज ने 8 1/10 डेज उसने काम किया। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो अब हमें पैसे डिवाइड करने, हमें क्या करना बेटा? पैसे डिवाइड करने। अब वो पैसे कैसे डिवाइड करेंगे जरा यहां से देखते जाइए। अब टोटल हमारे पास कितना था यदि हम देखें तो टोटल हमारे पास कितने थे? 240 रुपये। यदि मैं इसकी बात करता हूं तो 240 रुपये हैं। अब इनटू, अब एक बात बताओ, जो अमीन है उसने कितने दिन काम किया? 9 दिन, और एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 4, तो 9 दिन में 9 चौक 36 यूनिट, और टोटल काम कितना है भाई? टोटल काम कितना था? 360, तो इसका मीनिंग 360 यूनिट में से 36 यूनिट उसने काम किया, तो पैसे भी उसी रेशो में उसको मिलेंगे, तो 1/10, और यहाँ से कितना भाई? 24 रुपये, तो अमीन को कितने रुपये मिलेंगे? 24 रुपये। इसी तरह यदि मैं बादशाह की बात करता हूँ तो बादशाह को भी कितने मिलेंगे? बादशाह को 240 इंटू, यहाँ से बादशाह ने 9 दिन काम किया, 9 दिन में कितना काम किया होगा? एक दिन का काम है 9 यूनिट, तो 9 दिन का 81 यूनिट आउट ऑफ कितना भाई? 360, क्लियर है? 12 दूनी 24, 12 3 36, ठीक है ना, तो ये 120 से ये 2 बार, 120 से ये 3 बार, 3 से ये कितनी बार भाई? 27, और 27 दूनी कितना भाई? 54, तो 54, तो इसको कितना मिला भाई? 54, तो बादशाह को 54, अमीन को 24, तो इसका मीनिंग जो बाकी बचा जो वो चार्ज को मिलेगा, और वो कितना बचता है भाई हमारा? 162 बच जाता है, जो बाकी बचा कितना? 162, तो 162 रुपीज़ किसी भी चार्ज को मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है?